साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त वेद संदीप। साथियों, कोरोना काल का टाइम चल रहा है, तो आज हमें सरकार हमें निर्देश करती है कि अपने हाथों को सैनिटाइजर से वॉश करें। हमारे पास एक सैनिटाइजर है, हम इसको एक बूंद से ये इस तरह से हमें इस हाथों को ऐसे करके इसको वॉश करो, काफ़ी ठंडा लग रहा है। तो साथियों, आज हम आपको सैनिटाइजर बनाना सिखाएंगे कि घर पे हम सैनिटाइजर कैसे तैयार कर सकते हैं। साथियों, इसमें सबसे पहले हमें एक जार लेंगे, कांच का जार ले लिया। अभी इसको जीरो करेंगे, ये जीरो हो गया। अभी इसके अंदर 250 ग्राम चीनी डालेंगे। साथियों, अब हमें इसमें 250 ग्राम है, हमने चीनी डाल दी है। अब इसके अंदर 1 लीटर इसमें पानी डालेंगे। इसको दोबारा से जीरो करते हैं। अभी इसमें 1 से 1.5 लीटर है, इसमें पानी डालेंगे। अभी हम इसमें पानी डाल रहे हैं। अभी इसमें हमने 1 लीटर पानी डाल दिया है। साथियों, अब इस चीनी को चम्मच से हिलाते हुए इसको घोलेंगे। इसका बढ़िया अच्छी तरह से घोल बनाएंगे। तो अभी हमने क्या है, चीनी का घोल है वो तैयार कर लिया है। इसको अच्छी तरह से घोल लिया है, अभी भी इसमें थोड़ी चीनी है वो घुल जाएगी। साथियों, इधर है हमने ये जो कांच का गिलास है, इसमें भी हमने थोड़ी चीनी ली है। देख सकते हो ये इसके अंदर चीनी है, कुछ घुल चुकी है और कुछ अभी बाकी है, तो ये भी धीरे धीरे घुल जाएगी। तो साथियों, इसमें क्या करेंगे, हम 1 चम्मच ईस्ट डालेंगे। अभी साथियों, इसमें ये चम्मच हो गया। अभी हमने ये ईस्ट है और हम अभी इसके अंदर डालेंगे। ये पंसारी की दुकान पे मिल जाती है, उनको बोलोगे भी हमें डबल रोटी बनाने वाली ईस्ट चाहिए तो वो ज़रूर दे देंगे। तो साथियों, अभी इसको थोड़ा हिलाएंगे, अभी इसको कुछ देर रख देते हैं, क्यों चीनी के साथ जो ईस्ट है वो अपना काम करने लगेगी और ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, इसको घुलने में काफ़ी सारा टाइम लगता है, तो आधा तो घुल चुका है, आधा अभी इसके अंदर है। साथियों, ईस्ट को जो दूसरा नाम है, इसको खमीर भी बोलते हैं, किसी भी पंसारी से ये मिल जाएगा। तो साथियों, अभी हमें ये काफ़ी मात्रा में घुल चुका है, थोड़ा रहा है तो वो धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएगा। तो साथियों, अभी जो ये पानी है जिसमें हमने चीनी घोली थी, इसके अंदर इसको मिला रहे हैं। अभी इसके अंदर हमने इसको मिला दिया, मिला के इसको अच्छे से घोल देंगे। ये देखो अच्छे से घुल जाएगा। तो साथियों, इस तरह से हमें सैनिटाइजर का निर्माण करना है, तो ये प्रक्रिया आप देखते रहिए। और साथियों, अभी इसको हमें 10 से 15 दिन के लिए इसको रखेंगे एक्टिवेट होने के लिए। उसके बाद है जो आगे का जो प्रक्रिया है हम आपको दिखाते रहेंगे। साथियों, इसका जो ढक्कन है इसको पूरा दाब से नहीं, इसको हल्के से इसके ऊपर लगाना है ताकि इसके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती रहे और ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जाए। साथियों, हम सैनिटाइजर बनाने जा रहे थे, पीछे की विधि हम आपको दिखा चुके हैं। अभी इसके अंदर हमने चीनी और खमीर को ईस्ट को डाल के 15 दिन रखा है। अब इसको थोड़ा घोल के कुकर के अंदर डाल रहे हैं। साथियों, हम कुकर के अंदर डाल रहे हैं, ये हमने कुकर के अंदर डाल दिया है। और अभी इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। साथी, अभी इसमें थोड़ा पानी डालने वाले हैं, तो पानी डाल दिया। और अभी हम
इसको गैस पे रखते हैं। अभी हम गैस को चालू करके इसके ऊपर रखेंगे इसको। साथियों, कुकर को हमने गैस पे रख दिया है। इसमें जो खमीर था इसके अंदर हमने डाल के और कुकर की सीटी उखाड़ के उसकी जगह हमने ये पाइप लगाई है। और इधर एक टोपी में हमने ये तांबे की पाइप लगा के और दूसरी ओर ये प्लास्टिक की पाइप लगाई है। अब हमें इसमें बाम बढ़ने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही बाम बढ़ेंगी इसके द्वारा हमारा जो सैनिटाइज़र बनेगा वो इसके द्वारा बाहर आने लगेगा। तो आगे की प्रक्रिया हम आपको दिखाते रहेंगे। ये बाम आने लग गई है बुलबुले के रूप में और यहाँ से अभी इसमें जो सैनिटाइज़र बनेगा वो पाइप के माध्यम से बाहर निकलेगा। ये आप देख सकते हो अभी निकलने वाला है। उधर से बाम चालू है और अभी ये निकलेगा। ये देखो, ये क्या खूब ठंडा ठंडा है और अभी ये निकलता रहेगा। ये देखो, बूंदों के रूप में अभी ये निकल रहा है। इस तरह से साथियों ये सैनिटाइजर है हमारा बनेगा। तो साथियों देखते रहो। साथियों, इस तरह से हमारा ये इतना अल्कोहल निकला है। इसमें 70 से 75% अल्कोहल है। इसको सैनिटाइजर के रूप में हाथ में या लगा के इससे हाथ वॉश कर सकते हैं। साथियों, अगर इसको थोड़ा गाढ़ा बनाना हो तो इसमें एलोवेरा का जूस है, ग्लिसरीन है, मिला के भी इसको यूज किया जा सकता है। साथियों, यह बहुत ही अच्छा सैनिटाइज़र बना है और ये ठंडा भी है। लगाते हैं तो अपने ये काफ़ी ठंडा है। तो साथियों, इस तरह से घर पे सैनिटाइज़र का निर्माण करें, बहुत ही अच्छा और शुद्ध बनेगा।